गुड मॉर्निंग क्लास सेवेंथ, वेलकम बैक टू योर जीके क्लास, सॉरी एसएसटी क्लासेस विच इज योर सोशल साइंस क्लासेस. सो क्लास सेवेंथ वी आर स्टडिंग योर लास्ट चैप्टर इन हिस्ट्री विच इज लेसन नंबर 11. एंड इन लेसन नंबर 11 वी आर स्टडिंग अबाउट द लेटर मुगल्स एंड द न्यू पोलिटिकल फॉर्मेशंस. ओके, तो हम लोगों ने बच्चों पार्ट वन में क्या क्या पढ़ा था कि लेटर मुगल्स के बारे में, कौन कौन से लेटर मुगल्स आए, देवर वीक, देवर इनकम्पीटेंट, और क्या क्या रीजंस थी डिक्लाइन ऑफ मुगल डायनेस्टी के. तो डिक्लाइन ऑफ मुगल डायनेस्टी हम लोगों ने 3 रीजंस पढ़ा था, और आगे के 2 रीजंस बचे रह गए थे ना, वो हम लोग पढ़ेंगे आज. सो टू स्टडी दिस कम टू पेज नंबर 153. पेज नंबर 153 पे सारे बच्चे आएंगे. एंड द फोर्थ रीजन व्हाई मुगल डायनेस्टी के डिक्लाइन, फेलियर ऑफ जागीरदारी सिस्टम एंड रिवेलियंस. ये क्या था भाई, ये कौन सा रीजन था? अंडर औरंगजेब द जागीरदारी सिस्टम हैड बिगन टू क्रम्बल. अब जागीरदारी सिस्टम जो था वो औरंगजेब के कार्यकाल के दौरान से ही खराब होना शुरू हो गया था. इट वॉज कॉज्ड बाय अ शॉर्टेज ऑफ लैंड एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ मनसबदार हु वर वेटिंग टू रिसीव जागीर्स. देखिए क्यों हुआ था जागीरदारी सिस्टम, क्या था जागीरदारी सिस्टम में जो था शॉर्टेज ऑफ लैंड हो गया, जमीन की तो वो कमी हो गई एज कम्पेयर टू द नंबर ऑफ मनसबदार्स, और मनसबदार्स ढेर सारे हो गए और जमीन की क्या हो गई, कमी हो गई, और मनसबदार्स को क्या चाहिए था, जागीर. जागीर इज द अमाउंट ऑफ मनी. दिस सिचुएशन प्रॉम्प्टेड द जागीरदार्स टू एक्सट्रैक्ट मोर टैक्सेस फ्रॉम द पीजेंट्स. और इस वजह से जो जागीरदार्स थे वो अब जमीन से वो पैसा नहीं कमा पा रहे थे, तो उन्होंने पीजेंट्स फार्मर्स थे उनसे ज़्यादा टैक्स वसूलना शुरू कर दिया, ज़्यादा पैसे लेने शुरू कर दिए. माउंटिंग प्रेशर ऑफ टैक्सेस गेव राइज टू अनरेस्ट एंड डिस्ट्रेस अमंग द टैक्स पेयर्स. अब इतना ज़्यादा वो लोग टैक्स लेने लगे तो इस वजह से प्रेशर क्रिएट हो गया, डिस्ट्रेस्ड हो गया, है ना, पूरी तरीके से उधड़पुन मच गया हमारे पीजेंट्स फैमिली में, फार्मर्स के बीच में. दे आर डिस्ट्रेस एंड एंगर इरप्टेड इनटू रिबेलियंस अगेंस्ट द मुगल अथॉरिटी. अब इनके वजह से क्या हुआ, मुगल अथॉरिटी के खिलाफ जो पीजेंट्स थे वो खड़े हो गए. एंड दिस एडेड टू द क्राइसिस ऑफ द मुगल एम्पायर, उस वजह से मुगल एम्पायर का और डिक्लाइन होना शुरू हो गया. द रेबेलियस ग्रुप्स स्ट्रेंथन देयर पोजिशन बाय सीजिंग एंड द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ देयर रीजन. रेबेलियस ग्रुप जो थे वो कैसे एंड करते थे अपने पोजिशन को, कैसे स्ट्रेंथ करते थे इकोनॉमिक रिसोर्सेज वो सीज कर लेते थे अपने रीजन का. मुगल रूलर्स आफ्टर औरंगजेब were not able to put a check on the growing power of the provincial governors, local chieftains and various other groups. लेकिन राजा का काम होता है ना कि वो प्रजा में जाकर के देखे कि किस तरीके से काम हो रहा है. तो औरंगजेब के बाद जो लेटर मुगल्स हैं बच्चों, उन्होंने कभी अपने प्रजा की तरफ ध्यान नहीं दिया, वो कभी नहीं गए अपने सिस्टम में देखने के लिए कि हमारे सिस्टम में जो प्रोविंशियल गवर्नर्स हैं, जो लोकल चीफ्टेंस हैं, और जो अदर वेरियस ग्रुप्स में जो लोगों को बांटा गया था काम करने के लिए, वो सब कैसे काम कर रहे थे. तो बहुत तरीके से करप्शन होने लगा ना. चलो हिस्ट्री डिटेल्स में आ जाओ. क्या लिखा है, इन 1664 द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एस्टैब्लिश्ड टू कॉम्पीट फॉर ट्रेड इन द ईस्ट. कॉलोनीज वर एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया इन चांदेड़ नागौर 1673 एंड पौंडीचेरी 1674 and later of Yanam 1723, Mahi 1725 and Karikal in 1739. देखो 1664 में क्या हुआ, जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको establish किया गया compete करने के लिए, है ना, किसके साथ, from the trade in the east. तो colonies कहाँ कहाँ establish किया गया भारत में,
चांदेर नगर में 1673 में, पौंडीचेरी में 1674 में, फिर यानाम में 1723 में, माही में 1725 में और करिकल में 1739 में। चलो अब एक्सपेंशन ऑफ यूरोपियन पावर्स। अब यूरोपियन पावर्स एक्सपैंड होने लगा, इस वजह से भी मुगल डायनेस्टी का डिक्लाइन हो गया। जैसे क्या लिखा है, फॉर अ लॉन्ग टाइम डिफरेंट यूरोपियन पावर्स लाइक द पोर्टुगीज, सबसे पहले पोर्टुगीज हमारे देश में आए थे व्यापार करने के लिए, फिर फ्रेंच आए, फिर ब्रिटिशर्स आए, हैड बीन ट्राइंग टू कंसोलिडेट देयर पोजिशन इन इंडिया, वो चाहते थे अपने हमारे देश में अपना रूल करना वो चाहते थे। डिक्लाइनिंग मुगल एम्पायर गेव देम एन अपॉर्चुनिटी टू गेन पोलिटिकल प्रोमिनेंस। मुगल डायनेस्टी के हाथ में कुछ रह ही नहीं गया, वो उसने अपने खुद ही अपने आप में इतनी वीक हो गई तो दूसरे लोग फायदा उठाएंगे। अमंग द वेरियस यूरोपियन पावर्स विच कॉम्पीटेड विद वन अनदर टू अचीव दिस गोल, ब्रिटिश इमर्ज्ड विक्टोरियस। तो फ्रेंच हो गए ना, डच भी आए थे, पोर्टुगीज भी आए थे, ये सब में जो था यूरोपियंस जो थे उन्होंने वो विनर हुए और उन्होंने हमारे देश पर रूल किया, बहुत बुरी तरीके से रूल किया। सारी हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री में आपको क्लास 8 में पढ़ोगे। दे सून बिकेम द मास्टर्स ऑफ एरिया। चलो इमर्जेंस ऑफ न्यू स्टेट्स। देखो द पीरियड अंडर द लेटर मुगल्स विटनेस द इमर्जेंस ऑफ अ सीरीज ऑफ न्यू स्टेट्स थ्रू आउट द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो क्या हुआ, लेटर मुगल्स के दौरान हमारे देश में बहुत अलग अलग तरीके के पॉलिटिकल फॉर्मेशंस होने लगे। सम ऑफ दीज स्टेट्स वर द ओल्ड प्रोविंसेस ऑफ द मुगल एम्पायर, जैसे कि अवध, बंगाल और हैदराबाद। सम ऑफ देम इंक्लूडेड द वतन जागीर, कुछ प्रोविंसेस कौन किसके थे, वतन जागीर के, जागीर खड़े हो गए थे कि उनको ज़्यादा पैसे नहीं मिल रहे थे। स्टेट्स विच इन्जॉयड कंसिडरेबल फ्रीडम फ्रॉम द मुगल रूलर्स, जागीर कौन थे जो जो कभी भी मुगल डायनेस्टी के अंडर में थे ही नहीं, सच एज दी कौन कौन से थे, वो राजपूत प्रिंसिपैलिटीज हो गई एंड दोज विच वर अंडर द कंट्रोल ऑफ द डिफरेंट रेबेलियस ग्रुप्स, जैसे कि सिक्स हो गए, मराठास हो गए ना, ये कभी भी मुगल डायनेस्टी कंट्रोल में नहीं थे। There were many states which did not come under any of these categories, like the South Indian state of Mysore. लेकिन अभी भी बहुत सारे उस टाइम बहुत सारे स्टेट्स ऐसे थे जैसे कि जो कभी इन कैटेगरीज में आए नहीं थे, जैसे कि साउथ इंडियन स्टेट ऑफ मैसूर, ये देखो मैसूर पैलेस, ये कभी भी मुगल डायनेस्टी के अंदर में आए ही नहीं थे। ओल्ड मुगल प्रोविंसेस आज न्यू स्टेट्स, अब जो पुराने मुगल प्रोविंसेस थे वो न्यू स्टेट्स कैसे बनते हैं ये देखो। Among the new states that were carved out of the old Mughal provinces, they were quite prominent. These were Bengal, Awadh and Hyderabad. तो पहला पढ़ेंगे आपको about Bengal. Bengal emerged as an autonomous state under Nawab Murshid Kuli Khan. देखिए Bengal जो है वो ऑटोनॉमस स्टेट इमर्ज होता है, ऑटोनॉमस मतलब सेल्फ रेगुलेटिंग, अपने आप से वो रेगुलेशन करेगा उसके ऊपर, किसके अंडर में, नवाब मुर्शीद कुली खान के अंडर में ऐसा हुआ। ही वर्क टू रिड्यूस द मुगल इन्फ्लुएंस ओवर बंगाल, उन्होंने क्या काम किया, मुगल इन्फ्लुएंस को कम किया बंगाल पे। ऑल्दो बंगाल एंजॉयड ऑटोनॉमी ड्यूरिंग हिज पीरियड, ही कंटिन्यू टू पे ट्रिब्यूट टू द मुगल रूलर, बंगाल जो था वो ऑटोनॉमस बॉडी था, उस पर मुगल एम्परर्स का कोई रूल नहीं था, ठीक है, लेकिन फिर भी वो मुगल एम्परर्स को उसको क्या करना पड़ता था, ट्रिब्यूट पे करना ही पड़ता था। मुर्शीद कुली खान की देखिए फोटो भी बनी है, मुर्शीद कुली खान ट्रांसफर्ड ऑल मुगल जागीरदार्स टू उड़ीसा, मुर्शीद कुली खान ने क्या किया, जितने भी जागीरदार्स थे उनको कहाँ भेज दिया, उड़ीसा भेज दिया, एंड ऑर्डर्ड अ मेजर रिवैल्यूएशन ऑफ टैक्सेस इन बंगाल, और टैक्सेस का रिवैल्यूएशन उन्होंने फिर से बंगाल में कर दिया। He made it essential for all जमींदार्स to pay taxes in cash. इन्होंने सारे जमींदार्स को essential बना दिया कि आपको tax को
कैश में पैसे के फॉर्म में आपको पे करना पड़ेगा. ही एक्सरसाइज्ड ग्रेट स्ट्रिक्टनेस व्हाइल कलेक्टिंग टैक्सेस. जब टैक्सेस ये कलेक्ट करते थे तो इसके दौरान ये बहुत ही ज़्यादा एक कड़ा रुख इनका व्यवहार हुआ करता था. एज अ रिजल्ट मैनी जमींदार्स हैड टू बोरो मनी फ्रॉम मनी लैंडर्स एंड बैंकर्स एंड दोज हु कुड नॉट पे इवन देन वर फोर्स टू सेल देयर लैंड टू बिगर जमींदार्स. और इसी वजह से जो जमींदार्स के पास पैसे नहीं रहते थे वो जाकर के मनी लैंडर्स से पैसे मांगते थे या फिर किससे मांगते थे, बैंकर्स से मांगते थे. और अगर इतने के बावजूद भी अगर वो पैसा नहीं दे पाते थे तो उनको अपनी ज़मीन बड़े ज़मींदार्स को बेच देना पड़ता था. द नवाब टुक सेवरल मेजर्स फॉर द कंसोलिडेशन ऑफ बंगाल. सम ऑफ दीज मेजर्स एज मेंशन बिलो. तो नवाब ने बहुत सारे मेजर्स लिए बंगाल को सही करने के लिए मुर्शीद कुली खान ने. कौन कौन से थे ये? इन ऑर्डर टू रीऑर्गेनाइज द फाइनेंसेस ही ट्रांसफर्ड लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ लैंड जागीर लैंड्स इनटू खलीसा और क्राउन लैंड्स. ही ऑल्सो स्टार्टेड अ न्यू सिस्टम ऑफ फार्मिंग विच वॉज बेस्ड ऑन रेवेन्यू. पहला काम क्या क्या किया उन्होंने? इन ऑर्डर टू रीऑर्गेनाइज द फाइनेंसेस, पैसे का लेन देन सही करने के लिए ही ट्रांसफर्ड लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ लैंड जागीर लैंड्स इनटू खलीसा. इन्होंने बड़े बड़े जो जमीन थी उसको खलीसा में कन्वर्ट कर दिया, ट्रांसफर कर दिया. और क्राउन लैंड्स, खलीसा मतलब क्राउन लैंड्स, मतलब ये नोबल के ये लैंड रहेंगे ना, राजाओं के ये जमीन है. ही ऑल्सो स्टार्टेड अ न्यू सिस्टम ऑफ फार्मिंग. और इन्होंने एक नया सिस्टम फार्मिंग का शुरू किया जो कि टोटल रेवेन्यू सिस्टम पे बेस्ड था. ही रीशेप्ड द स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बाय अपॉइंटिंग लोकल हिंदू जमींदार्स एंड मनी लैंडर्स एज रेवेन्यू फार्मर्स. तो इन्होंने क्या किया, लोकल हिंदू जमींदार्स थे और मनी लैंडर्स थे, उनको क्या बना दिया, रेवेन्यू फार्मर्स बना दिया. वाइल डूइंग दिस इन्होंने किसी भी तरीके की डिस्टिंक्शन भेदभाव नहीं किया मुस्लिम और हिंदू के बीच में. दिस गेव राइज टू अ न्यू काइंड ऑफ एरिस्टोक्रेसी इन द रीजन. और इस तरीके से एक एरिस्टोक्रेसी फिर से बंगाल रीजन में इस्टेब्लिश होती है. विद द पर्पज ऑफ प्रमोटिंग ट्रेड, व्यापार बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया, व्यापार और कॉमर्स को बढ़ाने के लिए मुर्शीद कुली खान गेव सिक्योरिटी टू द इंडियन. मुर्शीद कुली खान ने सिक्योरिटी दिया भारतवासियों को और फॉरेन ट्रेडर्स को भी जो हमारे देश में व्यापार करने के लिए आते थे. पुट अ चेक ऑन द करप्ट प्रैक्टिसेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जो भी करप्शन था उस पर इन्होंने चेक किया. एंड ऑल्सो ब्रॉड रिफॉर्म्स इन द डिपार्टमेंट ऑफ कस्टम्स, और इन्होंने टैक्स लेने के भी डिपार्टमेंट में बहुत सारे रिफॉर्म्स किए. नेक्स्ट ही सप्रेस्ड द रिबेलियस जमींदार्स एंड सक्सेसफुली एस्टैब्लिश्ड लॉ एंड ऑर्डर इन द रीजन. इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, जो जमींदार्स के पास ज़्यादा पैसा था और वो डोमिनेंट बिहेवियर के थे उनको इन्होंने सप्रेस किया, रोका, और एक लॉ एंड ऑर्डर हमारे देश में कानून का एक लॉ एंड ऑर्डर की कायदे से काम हो सके इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट किया. He kept a vigil over the European trading companies to ensure that they did not misuse the rights and privileges granted to them earlier by the Mughal emperors. इन्होंने इस पर भी ध्यान दिया कि जो यूरोपियंस थे जो हमारे देश में व्यापार करने के लिए आए थे वो अपने हम अपने व्यापार के बहाने हमारे देश का रिसोर्सेज का मिसयूज ना करें जो कि मुगल एम्परर्स ने पहले किया था. Thus he tried to keep their activities under control. तो यूरोपियन के भी एक्टिविटीज़ को उन्होंने अपने कंट्रोल में किया. मुर्शीद कुली खान वॉज सक्सीडेड बाय सुजाउद्दौला एंड अली वर्दी खान इन 1727 and 1739 respectively. तो मुर्शीद कुली खान के बाद कौन आया, सुजाउद्दौला और अली वर्दी खान आए. सुजाउद्दौला 1727 में और अली वर्दी खान 1739. अली वर्दी खान का भी फोटो देखिए. These two successors also kept a strict vigil on the activities of the British and did not let them misuse the privileges granted to them. तो ये दोनों लोग भी जो थे कौन कौन से थे, मुर्शीद कुली खान सुजाउद्दौला और अली वर्दी खान, इन्होंने भी ब्रिटिशर्स पे कड़ा अप्रोच रखा है, स्ट्रिक्टनेस रखा कि आप हमारे देश के रिसोर्सेज को मिसयूज नहीं कर सकते हो. However, after अली वर्दी खान, लेकिन अली वर्दी खान के बाद क्या हुआ, ब्रिटिश बिकेम वेरी पावरफुल. ब्रिटिशर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गए. दे हैड कॉन्फ्लिक्ट्स विद नवाज शिराउद्दौला. अब नवाज शिराउद्दौला के साथ उस ब्रिटिशर्स का क्या हुआ, उनके में लड़ाई छिड़ गई. जिनके सिराउद्दौला के बाद कौन आया था, अली वर्दी खान इन 1756. फॉलोइंग ईयर 1757 में क्या हुआ, ब्रिटिश डिफीटेड सिराजुद्दौला इन द बैटल ऑफ प्लासी. अंडरलाइन करिए, बैटल ऑफ प्लासी में
1757 में ब्रिटिशर्स ने सिराजुद्दौला को हरा दिया. दस द रीजन ऑफ बंगाल पास्ड इनटू द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश. अब इसी तरीके से हमारे देश का जो बंगाल रीजन था वो ब्रिटिशर्स के हाथ में पहुंच जाता है. हिस्ट्री इज़ वेरी इंटरेस्टिंग ना, कितनी किस तरीके से हमारे देश में किस तरीके से लोगों ने रूल किया है, कौन कौन सी डायनेस्टी इस्टेब्लिश हुई, कौन आया, कौन हमारे देश को बचाना चाहता था, फिर किस तरीके से किसके पावर हैंड्स में गया, कितनी सब चीज़ें बातें अच्छी पता चलती हैं हमको हिस्ट्री से. तो 1757 में क्या हुआ, ब्रिटिशर्स और सिराजुद्दौला के बीच में बैटल ऑफ प्लासी हुआ, युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ, और उसके बीच क्या हुआ, सिराजुद्दौला जो थे वो ब्रिटिशर्स के द्वारा हाथों मारे गए, उनकी हार हो गई. और इस तरीके से जो बंगाल रीजन था जहाँ सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने कब्जा बनाया ना, गवर्नर ऑफ बंगाल बने, फिर उसके बाद धीरे धीरे गवर्नर ऑफ बंगाली क्या बन गए, गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत के हमारे गवर्नर बन गए. ये हमारे ब्रिटिशर्स के हाथ में चला गया. हिस्ट्री रिवील्स फ्रांस हैड कॉलोनीज ऑल ओवर द वर्ल्ड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द 17th सेंचुरी अंटिल द 1960s. तो फ्रांस की जो कॉलोनीज थी वो पूरे विश्व में थी 17th सेंचुरी से लेकर के 1960s तक. इन द 19th और 20th सेंचुरी में क्या हुआ, फ्रेंच ग्लोबल कॉलोनियल एम्पायर वॉज द थर्ड लार्जेस्ट. फ्रेंच ग्लोबल कॉलोनियल एम्पायर था वो तीसरा सबसे बड़ा था, नेक्स्ट ओनली टू द ब्रिटिश एंड स्पैनिश एम्पायर. तो सबसे बड़ा कौन था, ब्रिटिशर्स, फिर स्पैनिश, फिर उसके बाद फ्रेंच. चलो ये हो गई बंगाल की कहानी. अब आ जाओ अवध. अवध की कहानी पढ़ो. बंगाल की कहानी कितनी इंटरेस्टिंग थी ना. चलो देखो, बुरहानुल मुल्क सादत खान वॉज द फाउंडर ऑफ द स्टेट ऑफ अवध. तो बुरहानुल मुल्क या फिर सादत खान जो थे वो फाउंडर थे स्टेट ऑफ मगध के. ही हैड बीन अपॉइंटेड एज द सूबेदार ऑफ अवध इन 1724. तो इनको 1724 में सूबेदार जो थे, सूबेदार के पोस्ट पर इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी. अवध वॉज अ प्रॉस्पेरस रीजन, ठीक है. इट ओन्ड इट्स प्रॉस्पेरिटी टू द रिच एलुवियल गंगा प्लेन लाइंग विद इन इट्स बाउंड्रीज. तो गंगा प्लेन है ना अवध में, तो उससे बहुत ज़्यादा रिचनेस या फिर प्रॉस्पेरिटी अवध में थी. इट ऑल्सो कंट्रोल्ड द मेजर ट्रेड रूट्स कनेक्टिंग नॉर्थ इंडिया विद बंगाल. मेजर ट्रेड रूट क्या था, नॉर्थ इंडिया से बंगाल से जोड़ रहा था. एज द सूबेदार बुरहानुल मुल्क वॉज रिस्पॉन्सिबल नॉट ओनली फॉर द पोलिटिकल अफेयर्स बट ऑल्सो फॉर द फाइनेंशियल एंड मिलिट्री अफेयर्स ऑफ दिस प्रॉस्परस रीजन. अब चूंकि बुरहानुल मुल्क क्या था, सूबेदार था, तो पोलिटिकल, फाइनेंशियल और जो मिलिट्री अफेयर्स था सबका कंट्रोल इसी के अंडर में था. ही वर्क टू ब्रेक अवे फ्रॉम द मुगल इन्फ्लुएंस एंड दस ट्रांसफॉर्म अवध इन टू एन इंडिपेंडेंट स्टेट. तो इसने क्या किया, मुगल डायनेस्टी से अपने आप को इंडिपेंडेंट बना लिया, अलग स्वतंत्र राज्य बना लिया और अपने आप को मतलब रूल किया. एज अ मेजर टू कर्ब मुगल इन्फ्लुएंस ओवर अवध, बुरहानुल मुल्क रिड्यूस द नंबर ऑफ जागीरदार्स अपॉइंटेड बाय द मुगल एम्परर. तो मुगल इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए इसने क्या किया था, बुरहानुल मुल्क ने जागीरदार्स की संख्याओं को कम कर दिया था जो कि मुगल एम्परर द्वारा अपॉइंट किए जाते थे. ही ऑल्सो स्केल डाउन द साइज ऑफ जागीर्स एंड फिल्ड द वेकेंट पोस्ट विद द ट्रस्टेड पीपल. इसने जागीर्स को भी हटा दिया और जो खाली का पोस्ट था उसमें ट्रस्टेड पीपल, जो लोग भरोसेमंद व्यक्ति थे, उनको अपॉइंट कर दिया. ही अपॉइंटेड ऑफिशियल्स टू रीअसेस द रेवेन्यू ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट्स एंड चेक द अकाउंट्स ऑफ द जागीरदार. सब जागीरदार्स क्या काम कर रहे हैं, उनके अकाउंट्स कैसे मेंटेन है, कोई भी करप्शन तो नहीं कर रहे हैं, इसको देखने के लिए भी उन्होंने जो अलग अलग पर्सनस थे उनको अपॉइंट किए. द टूम्ब ऑफ बुरहानुल मुल्क, सादत खान देख लीजिए यहाँ बना हुआ है. चलो, ही एक्सटेंडेड हिज बाउंड्रीज बाय सीजिंग सम एरियाज फ्रॉम द अफगान्स ऑफ रोहिलखंड एंड सम राजपूत जमींदार. इन्होंने अपनी बाउंड्रीज अवध की कैसे एक्सटेंड की थी, बढ़ाई थी, क्या क्या सीज किया था, अफगान्स ऑफ रोहिलखंड और कुछ राजपूत जमींदार्स की भी जमीन को उन्होंने ले लिया था. रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट वॉज बेस्ड ऑन द इजारदारी सिस्टम. रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन इजारदारी सिस्टम पर बेस्ड था. इस सिस्टम में क्या था, द राइट टू कलेक्ट टैक्स वॉज ऑप्शन टू रेवेन्यू फार्मर्स कॉल्ड इजारदार्स. इजारदार से जाकर के पैसे टैक्स होते वो कलेक्ट करते थे. रेवेन्यू फार्मर्स प्रॉमिस टू पे द स्टेट अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी फॉर विच गारंटी वॉज प्रोवाइडेड बाई लोकल बैंकर्स और मनी लेंडर्स. तो जो रेवेन्यू फार्मर्स थे क्या प्रॉमिस करते थे कि आप स्टेट के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी आप पे करो, एंड इट वॉज प्रोवाइडेड बाई लोकल बैंकर्स और मनी लेंडर्स.
गारंटी जो थे वो लोकल बैंकर्स या मनी लेंडर्स प्रोवाइड करते थे। आफ्टर साइनिंग द अग्रीमेंट अ रेवेन्यू फार्मर वॉज गिवन एडिक्वेट लिबर्टी टू असेस एंड कलेक्ट टैक्सेस इन अ सर्टेन एरिया। और इस एग्रीमेंट को साइन करने के बाद जो रेवेन्यू फार्मर था वो क्या करता था, उसको लिबर्टी मिलती थी, उसको फ्रीडम मिल जाती थी कि आपको जितना भी टैक्स कलेक्ट करना है एरिया में कलेक्ट करो। इस आधारित सिस्टम मेड सम न्यू सोशल ग्रुप्स सच एज बैंकर्स एंड मनी लेंडर्स क्वाइट पावरफुल। अब इस वजह से बैंकर्स और मनी लेंडर्स क्या बन गए, क्वाइट पावरफुल बन गए एंड देयर इन्फ्लुएंस बिगैन टू गेट रिफ्लेक्टेड इन द रेवेन्यू पॉलिसीज ऑफ द स्टेट। चलो, बुरहानपुर मुल्क सादत खान डाइड इन 1739 में, इनकी मृत्यु हो गई। ही वॉज सक्सीडेड बाय सीरीज ऑफ रूलर्स इंक्लूडिंग सफदरजंग, तो इनके बाद सफदरजंग आए एंड सुहाउद दौला आए एंड सम अदर्स। दिस स्टेट ऑफ अवध कंटिन्यू टू एग्जिस्ट अंटिल इट वॉज फाइनली एनेक्स्ड बाय लॉर्ड डलहौजी। तो स्टेट ऑफ अवध चलता रहा, अपना काम होता रहा यहाँ पीछे से, लेकिन अंततः ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा एनेक्स कर लिया गया। कब दिला लिया इस पर, लॉर्ड डलहौजी। वाजिद अली शाह हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ अवध, वाजिद अली शाह जो थे लास्ट रूलर थे अवध के, वॉज पेंशनड ऑफ एंड डिपोर्टेड टू कोलकाता बंगाल इन 1856 में इनको बंगाल में भेज दिए अंग्रेज यूरोपियंस लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, और इनको पेंशन दिया जाने लगा और इन्होंने क्या किया, अवध पे कब्जा जमा लिया। अब होगा हैदराबाद, तो हैदराबाद के बारे में पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।